अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चरर बॉटनी का जो टेस्ट 6 दिसंबर 2020 को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया था, उसके कुछ सवालों के जवाबात आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर इन सवालों में किसी किस्म की कोई गलती हो तो देन प्लीज़ कमेंट्स ऑन माय चैनल्स। सो फर्स्ट मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट एमसीक्यूज। The tendency of an offspring to resemble its parents, इसका ऑप्शन जो बनता है हमारे पास वो है heredity. क्वेश्चन नंबर दो, the genotypic ratio of monohybrid cross. जीनोटिपिक रेशियो जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वो 1:2:1 है. होमोजैगोसिटी एंड हेट्रोजैगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमिन्ड बाय, इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन मेरे नज़दीक जो बना है वो है टेस्ट क्रॉस. पराक्सिज्म आर इन्वॉल्व इन विच पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के कौन से पार्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं पराक्सिज्म, तो इसका ऑप्शन जो है वो मुख्तलिफ दोस्तों ने मुख्तलिफ किस्म के शेयर किए हुए हैं. तो या मेरे लिहाज से ये तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल हो सकता है या फिर ग्लाइकोलेट साइकिल C2 साइकिल जो है उसका ऑप्शन हो सकता है. तो इसमें भी कुछ डाउट है सवाल में, लेकिन जो मैंने यहाँ ऑप्शन दिया है वो है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल. विच इज़ द रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल एनर्जी नेचुरल एनर्जी रिसोर्स, इसका हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास बायोमास. क्वेश्चन नंबर 6, जो है प्लांट्स ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज स्कायोफाइट्स, ये भी ठीक है ऑप्शन. द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज प्रैक्टिस इन कोल्ड कंट्रीज, एलिलोपैथी रेफर्स टू इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीशीज बाय अनदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, तो ये इसका ऑप्शन जो है वो काफ़ी हद तक सही लगता है. क्वेश्चन नंबर 9, जो है हमारे पास इन एन इको सिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, अ सेल वॉल विदाउट सेल वॉल इज टर्म एज A cell without a cell wall is termed as protoplast. इसका ऑप्शन जो है protoplast है. Which cell organelle is involved in apoptosis? इसका जो ऑप्शन बनता है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है. काफ़ी सारे दोस्तों ने इसमें लाइसोसोम को शेयर किया हुआ था, तो मेरे ख्याल में ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका ऑप्शन हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 12, जो है हमारे पास द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन एंडोडर्मस द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमिन्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स को काउंट करने से जो है वो हमारे पास जो है इसका ऑप्शन जो है वो सही बनता है. इन एंजियोस्पर्म ज़ाइलम इज मेड अप ऑफ, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आना था वो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव था. इसमें वेसल्स भी हैं हमारे पास, ट्रेकेट्स भी हैं और फाइबर्स भी मौजूद हैं. माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज ऑफ अ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज एक्टिन, द वैक्सी सब्सटेंस एसोसिएट विद द वॉल ऑफ कॉर्क सेल जो है हमारे पास वो सीबरिन है. क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, इन C3 एंड C4 प्लांट प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ RUBP कार्बोक्सिलेज एंड PEP कार्बोक्सिलेज, ये इसका जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बनता है. क्वेश्चन नंबर 21, द फंडामेंटल फीचर ऑफ क्रॉन्स एनाटॉमी C4 प्लांट इज, वो हमारे पास था प्रेजेंस ऑफ एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट इन बंडल शीथ सेल्स एंड ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स. थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस. इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन के हवाले से भी जो है वो आपको वीडियो शेयर की जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने मुनासिब समझे कि आपके साथ शेयर करूँ. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.